सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू कॉलर में डाटा लीक होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो गूगल ने एक अपना ट्रू कॉलर जैसा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वो एप्लीकेशन है और कैसे उसे यूज़ करना है और क्या क्या हमें उस एप्लीकेशन में फीचर्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अब आप जो है वो ट्रू कॉलर से मतलब जो भी डाटा लीक होता है उसके खतरे से जो है बच सकते हैं और गूगल का अपना एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कौन सा ये एप्लीकेशन है, कैसे इसे यूज करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो अगर दोस्तों आप गूगल के इस एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप इस वीडियो पर एक यूनिक कमेंट करिए। अगर आपका कमेंट सबसे बेस्ट रहा तो आपके कमेंट को लाइक हर्ट एंड पिन किया जाएगा। साथ में अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ गूगल के उस एप्लीकेशन के बारे में जो कि ट्रू कॉलर का भी बाप है। जी हाँ, अब यहाँ पर ये वो एप्लीकेशन है, मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बिल्कुल सेफ़ एप्लीकेशन है, जैसा कि आपको पता है कि गूगल का सारा एप्लीकेशन जो है बिल्कुल सेफ़ रहता है, आप आंख बंद कर उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आपको सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ इसका, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। इसी एप्लीकेशन में आपको सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि रिसेंट कॉल आपको इसी में मिल जाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको इसी में मिल जाता है और डायलर पैड इसके अंदर आपको इसी में मिल जाता है। ओके, आपको अदर एप्लीकेशन में कोई भी कुदफान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है डिस्प्ले ऑप्शंस। डिस्प्ले ऑप्शंस में आप यहाँ पर अपने मन मुताबिक थीम जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप डार्क मोड में रखना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइट अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको मिल जाता है ब्लॉक्ड नंबर्स। ओके, ब्लॉक्ड नंबर्स में आते हैं तो ये पहले से ऑफ रहेगा, तो इसे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपके पास जो भी अनआइडेंटिफाइड जो कॉल्स आएंगे इसे ये जो है वो ब्लॉक कर देगा, ये जो एप्लीकेशन है उसे ब्लॉक कर देगा जो भी आपके पास अनआइडेंटिफाइड जो वो कॉल आएंगे, जैसे कि फेक कॉल या फिर बैंक के लूटर जो भी आते हैं उसे जो है वो ब्लॉक कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इसके अंदर आपको मिलता है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पहले से ऑफ रहेगा, सिंपली आपको इसे ऑन करना है और यहाँ पर फिल्टर स्पैम कॉल्स आपको इसे भी ऑन कर देना है। इन दोनों को ऑन करने के बाद आपके फ़ोन पर जो भी जो है वो स्पैम कॉल आएगा, जैसे कि कंपनी की तरफ से कॉल आता है परेशान करते रहते हैं या फिर कोई बैंक का लुटेरा आता है, कोई फ्रॉड कॉल आता है, उसे जो है वो आप तक पहुँचने नहीं देगा। और गलती से वो पहुँच भी जाता है आपके फ़ोन पर कॉल, तो उसे जो है वो रेड पूरा आपका फ़ोन जो है वो रेड कलर में हो जाएगा, जिसकी पता आपको चल जाएगा कि हाँ ये जो कॉल है वो स्पैम कॉल है या फिर बैंक के लूटर है या फिर फ्रॉड कॉल है। ओके, तो इन दोनों को आप ऑन कर लीजिएगा, इससे आप जो है बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। आपके पास कभी भी मतलब फ्रॉड कॉल नहीं आएगा या फिर आपको बैंक लुटेरे जो है वो नहीं परेशान करेंगे या फिर कंपनी वाले आपको आपके पास कॉल नहीं करेंगे। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, ट्रू कॉलर से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आप फिलहाल इसी एप्लीकेशन को अब यूज़ करने वाला हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए। लिंक मैंने इस एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।